बसमिल आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस के ऊपर और डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस में हम लोग किस तरीके से डायरेक्ट लेबर प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ये हम सीखेंगे फिर हम डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना और उसको इंटरप्रेट करना इसके ऊपर बात करेंगे फिर हम लोग ये देखेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरियंसिस की और डायरेक्ट लेबर वेरियंसिस के कॉज क्या हो सकते हैं ये हम लोग जो है वो आज की डिस्कशन के अंदर बात करेंगे जी इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं और जो जनरल मॉडल मैंने आप लोगों को एक एनालिसिस का बताया था उसी के मुताबिक हम लोग इनकी कैलकुलेशंस करेंगे सो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो हमारी पिछली क्लास वाली एग्जाम्पल थी हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है लेबर की दैट इज इलेवन पर यूनिट स्टैच्यू यूनिट इलेवन पर यूनिट उसकी कॉस्ट है और उसके ऊपर लगते हैं एक यूनिट बनाने के ऊपर तो ये क्वांटिटी स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग आर स्टैंडर्ड्स बोलते हैं टाइम स्टैंडर्ड बोलते हैं और ये ट्वेंटी टू पर आर हम उसकी पेमेंट करते हैं तो दिस इज बेसिकली प्राइस स्टैंडर्ड दैट इज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड दैट इज प्राइस स्टैंडर्ड यहाँ पे हम लोग इसको रेट बोल रहे हैं और एक्चुअल आर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर जो हम लोगों ने पूरे महीने में काम किया है दैट इज वन थाउजेंड एंड फिफ्टी आर्स फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी पूरे एक महीने में जो मजदूरों ने काम किया है वो एक एक हजार पचास घंटे हैं और उनकी जो टोटल कॉस्ट पे की गई है दैट इज ट्वेंटी हंड्रेड एंड एटी

रेट पर आर आ जाएगा तो चूंकि हमें फॉर्मूला में एक्चुअल रेट भी चाहिए है और स्टैंडर्ड रेट भी चाहिए है और एक्चुअल आर्स भी चाहिए हैं इसलिए हम लोग और स्टैंडर्ड आर्स भी चाहिए हैं ये वाली सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे सो डायरेक्ट लेबर वेरियंसिस के जो फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग डायरेक्ट लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस दैट इज द टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस भी कहते हैं सो दिस इज बेसिकली फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस ऑफ डायरेक्ट लेबर

फिर उस फर्क में से दो पोर्शन होते हैं एक एक्टिविटी का होता है और एक स्पेंडिंग होता है जो एक कंट्रोलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट को शो करता है तो जो जो बेसिकली uh, वॉल्यूम का इंपैक्ट होता है एक्टिविटी का इंपैक्ट होता है उसको हम लोग एक्टिविटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस कह देते हैं और जो हमारा बेसिकली कंट्रोलेबल वेरिएंस होता है कंट्रोलेबल पोर्शन होता है उसको हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस कह देते हैं तो हर एक एक्सपेंस का हम लोग स्पेंडिंग

आया है उसके ऊपर और जो हमारी लेबर कॉस्ट के ऊपर हमारे लेबर आर्स के कम या ज्यादा आ, यूज करने की वजह से इम्पैक्ट आता है उसको हम लोग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं सो so, हम स्पेंडिंग वेरिएंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ले, दैट इज लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो लेबर रेट वेरिएंस जो ओवरऑल ले, लेबर आ, स्पेंडिंग वेरिएंस का है फॉर्मूला

जो हमने काम किया है उसको जब हम लोग स्टैंडर्ड आर पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड आर्स आ जाते हैं फिर हम लोग लेबर रेट वेरिएंस की जब बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला है एक्चुअल आर्स इनटू

फिर हम लोग रेट का वेरिएंस आ जाएगा आ, जो है वो आ,

मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि यहां पे हम स्टैंडर्ड रेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग एक्चुअल जो इम्पैक्ट होता है एक्चुअल रेट का उसको हम यहाँ से इलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि हम रेट का इंपैक्ट ऊपर रेट वेरियस में निकाल रहे होते हैं इसलिए हम यहाँ पे जो रेट यूज करते हैं वो स्टैंडर्डाइज यूज कर लेते हैं ताकि सिर्फ प्योरली जो हमें आर्स की वजह से जो कॉस्ट में फर्क आ रहा है वो हमें नजर आ सके तो इसलिए चूंकि जो रेट होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबर डिपार्टमेंट या हायरिंग डिपार्टमेंट होता है इसलिए हम लोग उसका इंपैक्ट यहां ऊपर नहीं लेके आते इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट यूज करते हैं सो so, ये इनके जो है वो डिस्क्रिप्शन है एक्चुअल आर्स मीन एक्चुअल ऑफ डायरेक्ट लेबर आर्स इन प्रोडक्शन स्टैंडर्ड आर्स मीन स्टैंडर्ड क्वानिटी ऑफ डायरेक्ट लेबर आर्स अलाउड

ओके okay, अब इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं आल्सो कॉल्ड टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस और फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस फॉर डायरेक्ट लेबर इसको हम लोग टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस भी कहते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया और इसको फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस ऑफ डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं इसको टोटल वेरियंस को कैलकुलेट करने के लिए यह स्पेंडिंग वेरियंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मुला मैंने जैसे आपको बताया कि एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट माइनस फ्लेक्सिबल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट होती है एक्चुअल आर्स इंटू एक्चुअल रेट वो हमारे पास एक्चुअल आवर्स थे 1050 और एक्चुअल रेट था 21.60 जो के आ, हमारे पास टोटल आया 22,680 अगर आप पिछली स्लाइड में देखिए तो यहाँ पे भी 22,680 हमें एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है यही हम लोगों ने वहां पे ली है और अगर हम डायरेक्ट भी लिख लेते इसको तो ये चूंकि मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अगर हो तो आप इस स्टेप्स में कर सकते हैं और माइनस है जी स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एट अब स्टैंडर्ड आर्स हैं हमारे पास 1000 हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दीज स्टैंडर्ड आर्स हमने ये कहा कि हमारे पास 2000 की प्रोडक्शन है एक्चुअल प्रोडक्शन जो हम लोगों ने की है हमारी एग्जांपल के मुताबिक और एक यूनिट के ऊपर 0.5 आवर्स लगते हैं तो हम लोगों ने जब इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आवर्स आ गए कि 1000 आवर्स लगने चाहिए थे 2000 यूनिट को बनाते हुए सो दीज आर बेसिकली स्टैंडर्ड आर अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन सो स्टैंडर्ड आर अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट जब इनको दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया दैट इज वन थाउजेंड इन आर केस और स्टैंडर्ड रेट हमें ट्वेंटी टू पर आर दिया हुआ है जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ट्वेंटी टू थाउजेंड की फिगर आ जाएगी इन दोनों का जब फर्क आएगा दैट इज सिक्स हंड्रेड एंड एटी एंड दैट इज अनफेवरेबल बिकॉज हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी है है, और जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती है जो बजटेड कॉस्ट है दैट इज फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट वो 22000 है तो 22000 होनी चाहिए थी दैट शुड बी बट हुई कितनी 22680 और जो 6 680 कॉस्ट ज्यादा हो गई ये जो ज्यादा कॉस्ट हुई दैट इज अनफेवरेबल वेरिएंस ओके अब उसके बाद हम देखते हैं एक्चुअल रेट हमने कैसे कैलकुलेट किया था तो टोटल तो, हमारे पास एक्चुअल uh, कॉस्ट थी 22,680 और हमने पर नंबर ऑफ आर्स जो हमने एक्चुअली काम किया वो था 1,050 थाउजेंड इन दोनों का जो हमने फर डिवाइड uh, किया तो हमारे पास 21.60 पर आर हमारा रेट आ गया ओके okay. दिस वेरियंस इज अनफेवरेबल ये अनफेवरेबल है और डिनोटेड बाई यू है क्यू है बिकॉज हमने जो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर रेट पे किया है दैट इज सॉरी अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो हमने अदा की है एक्चुअल जो लगाई है इनकर की है दैट इज मोर देन द फ्लेक्सीबल बजटेड कॉस्ट विच शुड बी फॉर दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी और दैट नंबर ऑफ यूनिट जो एजार जो, जो यूनिट्स बनाने के लिए जितनी लेबर कॉस्ट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 22,000 लेकिन हमने एक्चुअली जो कॉस्ट की है वो है 22,680 दैट्स वाइ आर दिस वेरिएंस इज अनफेवरेबल एंड डिनोटेड बाय यू और सो एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज मोर देन बजटेड लेबर कॉस्ट दैट्स वाइ ये हमारे पास जो है वो अन फेवरेबल वेरियंस है और सो द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज नॉट कंट्रोल्ड द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इफेक्टिवली और इसका इंपैक्ट ओवरऑल क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं किया है क्योंकि फ्लेक्सीबल बजट वेरियंस होता है वो कंट्रोलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट के ऊपर बात करता है हाउ इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली दैट कॉस्ट है अब हम इसी ही वेरियंस को जो कि हमने पिछली वाली स्लाइड में जो कि हम लोगों ने 680 मालूम किया है, है, इसको इसको हम 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 दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब ये हमने कहा कि इसमें दोनों शामिल प्राइस प्राइस का भी और का, का का भी आर्स का भी, भी। और एफिशिएंसी लोग प्राइस की वजह से कितना आया है वो हम कर लेते हैं जब हम वो अलहदा करेंगे तो उसको हम लोग लेबर रेट वेरियंस कहेंगे so, actual rate, actual hours,

दोनों का जो फर्क लिया तो उसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 1050 के साथ तो दैट इज 420 बिकॉज एक्चुअल रेट इज मोर सॉरी एक्चुअल रेट इज लेस एक्चुअल रेट इज लेस एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट मीन दिस रेट शुड बी पेड तो हमने कितना रेट पे होना चाहिए 22 लेकिन जो एक्चुअली हमने रेट पे किया दैट इज 21.6 तो इन दोनों का जो फर्क होगा वो बेसिकली हमारा फेवरेबल सिचुएशन होगी क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट जितनी होनी चाहिए थी उससे कम पे की है दैट्स व्हाई दिस इज आर फेवरेबल सिचुएशन तो सो 420 वी हैव सेव्ड द कॉस्ट ऑफ 420 ड्यू टू आवर लेस पेमेंट ऑफ रेट पेमेंट हमने रेट कम पे करने की वजह से हमारा जो कॉस्ट uh, है वो 420 से क्या हुई है सेव हुई है तो सो दिस इज फेवरेबल सिचुएशन एक्चुअल रेट इज 21.6 पर आर इज 0.4 लेस मीन इन दोनों का जो फर्क है दैट इज 0.4 दैट इज द पर ले डायरेक्ट लेबर आर सेविंग लेस देन द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 22 पर आर बिकॉज़ 1550 आवर्स वर वर्क जो एक हजार पचास आरस हमने काम किया उनको जब हम लोगों ने पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी की कॉस्ट क्या हो गई सेव हो गई दिस इज फेवरेबल वेरियंस हम लोग इसके साथ एफ लगाते हैं चूंकि हमारा एक्चुअल रेट इज लेस देन स्टैंडर्ड रेट दैट इज अफाइड सिचुएशन जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये वाला जो वेरियंस है that is

इट इज फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फेवरेबल वाई दिस इज फेवरेबल बिकॉज एक्चुअल लेबर रेट इज लेस देन स्टैंडर्ड लेबर रेट जो पे होना चाहिए था उससे हम लोगों ने एक्चुअली कम पे किया है जिसकी वजह से हमारा ये वेरियंस फेवरेबल है

स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला बना हमारे पास एक्चुअल आर्स माइनस स्टैंडर्ड आर्स और इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया

ये वाला जो एफिशिएंसी वेरिएंस है ये 1100 अनफेवरेबल है मींस हमने 1100 की कॉस्ट ज्यादा खर्च की है क्योंकि हम लोगों ने आर्स को ज्यादा इस्तेमाल किया है ओके एक्चुअल आवर्स वर्क इन प्रोडक्शन वाज 1050 एक्चुअल आवर्स हमने 1050 लगाए जो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर दैट प्रोडक्शन दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन मीन 2000 यूनिट बनाए और 2000 के लिए जो स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे दैट वाज 1050 मोर आवर्स हैज बीन यूज्ड जो 50 आवर ज्यादा इस्तेमाल किए हैं उसकी वजह से हमारा यह वाला वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल हो गया और 50 आर्स को जब हम लोगों ने 22 पर आर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1100 की फिगर आ गई सो दिस इज अनफेवरेबल वेरिएंसेस बिकॉज वी हैव

एक्चुअल आर्स कम होते और स्टैंडर्ड ज्यादा होते तो फिर ये फेवरेबल सिचुएशन होती दिस इज द बेसिकली सिंपल सिंप्लीफाइड सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल वेरिएंसेस जो कि हम लोग सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और जज कर सकते हैं तो याद रखिए कि आपने इस तरीके से इसको uh, जो है वो इवेलुएट uh, करना है कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है ओके okay, अब इसकी समरी अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक और तरीका है प्रेजेंट करने का तो इन दोनों का जो एक्चुअल रेट uh, uh, को मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज फ्लेक्सिबल कॉस्ट इन दोनों का जो फर्क होगा दैट इज द स्पेंडिंग वेरियंस सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी अनफेवरेबल दैट इज टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरियंस टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट Variance okay, then this variance can be divided into two parts that is, rate variance and efficiency variance. Rate variance is the difference between actual cost and uh, uh, actual hours costed on budgeted rate or standard rate. Actual hours, hum standard rate ke cost, karte hai, to humare paas jo cost hai, that is basically budgeted cost on standard rate okay. 23100 ये आ गया 22600 ये आ गया इन दोनों का जो डिफरेंस लिया दैट इज 420 फेवरेबल आ गया फिर हम लोग जब लोग इस फिगर को 23100 को दैट आर एक्चुअल आर्स कॉस्टेड और ऑन स्टैंडर्ड को जब हम लोग स्टैंडर्ड आर्स कॉस्टेड ऑन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जब हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग फिर फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट कहते हैं जब इन दोनों का फर्क लेंगे तो हमारे पास 1100 अनफेवरेबल आ गया इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा या इन दोनों को इस दोनों को इस फिगर को 680 को जब आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो आपके पास लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा ये दोनों कैलकुलेट करके ये निकाला जाता है और बाजात जो है वो ये वाला कैलकुलेट करके उसके बाद हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके प्रूव करते हैं कि ये दो हिस्सों में अलहद अलहदा से इसका इंपैक्ट शो करने के लिए कि भाई एंड में कितना रेट का इंपैक्ट है और कितना एफिशियंसी का इंपैक्ट है ये हम लोग अलहदअा कर देते हैं इन दिस वे वी कैन डू दैट ओके, फॉर द लेबर वेरियंसिस प्रोडक्शन मैनेजर्स आर और अकाउंटेबल फॉर द लेबर वेरियंसिस बिकॉज दे कैन इंफ्लुएंस वो इंफ्लुएंस कर सकते हैं प्रोडक्शन मैनेजर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो लेबर वेरियंसिस होते हैं क्योंकि उनका इंफ्लुएंस होता है नंबर वन मिक्स ऑफ स्किल्स लेवल असाइन टू वर्क टास्क जो भी वर्क टास्क है जो असाइन किए जा रहे हैं लेबर को उसमें जो स्किल लेवल है वो किसको आपने असाइन करना है कौन सा काम किसको देना है वो बेसिकली सुपरवाइजर या प्रोडक्शन मैनेजर्स डिसाइड करते हैं तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर उसमें आर्स जाया होते हैं आर्स ज्यादा लगते हैं तो उस सूरत में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि वो जो भी उनकी जो कॉस्ट अगर ज्यादा हो रही है और अगर उनकी कॉस्ट कम हो रही है तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको जो है वो रिवॉर्ड या उनको जो है वो आप समझ लें कि एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए सो so, बिकॉज uh, दे उनको मोटिवेटेड रखे अगर वो मोटिवेट नहीं होंगे तो ऑफकोर्स वो अच्छा तरीके से काम नहीं करेंगे और आर्स जो है वो वहां पर ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं वो वो ध्यान से अटेंशन से मोटिवेशन से काम नहीं करेंगे तो उससे भी उनकी जो है वो नुकसान हो सकता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन सुपरविजन जो उनकी सुपरविजन है उसकी क्वालिटी के चूंकि वो जिम्मेदार होते हैं उनको वो वो आ, आ, उनकी जिम्मेदारी होती है सुपरविजन की तो इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो अगर सुपरविजन अच्छे तरीके से नहीं करेंगे और लोग जो है वो टाइम ज़ाया करेंगे तो उस सूरत में भी अनफेवरेबल वेरियंसिस हो सकते हैं तो इन इस वजह से भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लेबर वेरियंसिस के, के मतलब उनसे पूछा जाए एड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज ये उनकी ट्रेनिंग भी उनकी जिम्मेदारी होती है और ट्रेनिंग अगर वो नहीं उनको ट्रेन नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से भी जो लेबर कॉस्ट ज्यादा आने का खर्चा होता है जो एफिशिएंसी उनकी कम हो सकती है तो एफिशिएंसी को कम होने की वजह से उनके प्रोडक्शन मैनेजर जो है अच्छा ये वाली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एच डिपार्टमेंट की भी हो सकती है क्योंकि एच डिपार्टमेंट भी इंप्लॉई की ट्रेनिंग का जिम्मेदार होता है तो अगर हम लोगों ने एम्प्लॉ को अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं किया हुआ तो उस हद तक रेस्पॉन्सिबिलिटी एच की भी हो सकती है और जो एचआर अगर वर्कर्स की अरेंजमेंट करता है या प्रोडक्शन मैनेजर व

for the uh, uh, unfavorable labor variances because they have control on, on uh, over all these things what are the causes of uh, favorable direct labor rate variances and uh, That would be vice versa. ये जितने भी पॉइंट है ये उलट हो जाएंगे इफ इन केस ऑफ अनफेवरेबल वेरियंस अगर ये अनफेवरेबल वेरियंट होगा तो ये उलट हो जाएंगे बिकॉज वी हैव फेवरेबल वेरियंस डायरेक्ट लेबर रेट फेवरेबल वेरियंट तो ये इनके जो बेसिकली पॉइंट होंगे जो कि फेवरेबल वेरियंट की वजह से होते हैं सो नंबर वन इज द रीजन और द कॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ चीप अनस्किल्ड लेबर इनस्टेड ऑफ स्किल्ड लेबर हमने स्किल्ड लेबर की बजाय अनस्किल्ड लेबर अगर हायर कर ली है और वो सस्ती थी उसकी वजह से हमने रेट कम पे किया है तो रेट कम पे होने की वजह से हमारा डायरेक्ट लेबर रेट वेरियंस फेवरेबल हो सकता है अगर हम लोग अनफेवरेबल वेरियंस होता तो उसमें हम ये कह सकते थे कि हमने अनस्किल्ड की बजाय स्किल्ड लेबर जो है वो हायर की है और रेट ज्यादा पे किए हैं जिसकी वजह से अनफेवरेबल हो सकता है बिकॉज इन आर सिचुएशन दिस इज फेवरेबल

कर लिया है इन एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू ओके डायरेक्ट रेट डिक्रीज ड्यू टू एन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है तो उसकी वजह से जो मार्केट में रेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो सकते हैं ये भी एक रीजन हो सकती है हमारे फेवरेबल डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस की क्योंकि हमने रेट्स कम पे किए हैं और उसकी वजह से द बजटेड रेट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर वर सेट टू हाई बिकॉज मैनेजर डिड नॉट केयरफुली एनालाइज मार्केट कंडीशन मैनेजर्स ने मार्केट कंडीशन को केयरफुली एनालाइज नहीं किया था इस वजह से हमारे हमने जो स्टैंडर्ड रेट्स रखे थे या बजटेड रेट्स रखे थे वो बहुत हाई सेट किए हुए थे जो कि एक्चुअली मार्केट के अंदर नहीं थे इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट लेबर रेट वेरियंस है वो फेवरेबल आया है स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट टू ओल्ड एंड मैच द करंट मार्केट कंडीशन ये भी वही वाली पॉइंट है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था वो बहुत पुराना था और करंट मार्केट कंडीशन को मैच नहीं करता था तो करंट मार्केट कंडीशन को मैच ना करने की वजह से ये हमारा जो है वो फेवरेबल वेरिएंस आया है मार्केट में इस वक्त रेट्स बढ़ चुके हुए हैं लेकिन हमने जो है वो पुराना ही सॉरी मार्केट रेट्स कम हो चुके हुए हैं और हमने अभी पुराना ही स्टैंडर्ड लगाया हुआ है तो उसकी वजह से हमारा जो है ये फेवरेबल वेरियंस आ सकता है क्योंकि हमारे जो एक्चुअल रेट्स हैं वो कम आए हैं हेयर आर द कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल डायरेक्ट लेबर एफिशियंसी वेरियंट And they can be vice versa in case of favorable variances. In, in our situation, that direct labor efficiency variance is unfavorable, and uh, these are the causes of unfavorable variances. नंबर वन कॉज इज अ पुअरली ट्रेनड और मोटिवेटेड वर्कर्स हमारे जो वर्कर्स हैं वो एक तो उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी और उनकी मोटिवेशन भी अच्छी नहीं थी तो इसलिए इन दोनों की चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी हो सकते हैं और इसके अलावा जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर भी हो सकते हैं अगर वो उनकी ट्रेनिंग प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है और उनकी मोटिवेशन प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है तो वो प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार होगा और अगर इन दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की है तो ह्यूमन रिसोर्स जिम्मेदार होगा तो इसलिए हम लोग नॉर्मली हम प्रोडक्शन मैनेजर को ये काम देते हैं तो इसलिए वो प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है पुअर क्वालिटी यूनिट दैट रिक्वायर्ड रीवर्किंग जो जो क्वालिटी ऑफ यूनिट्स हैं वो वो पुअर है और उसके ऊपर दोबारा दोबारा से काम करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे आर्स ज्यादा होते हैं और हम कम प्रोडक्शन कर पाते हैं सो so, ये हमारी बेसिकली क्या हो सकती है कि हमारी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है पुअर है और उसकी वजह से हमें रीवर्किंग में जाना पड़ता है उसकी जो जो आप समझ लेके Uh, जो डिफेक्टिव गुड्स हैं वो ज्यादा बन रही हैं और डिफेक्ट defect, डिफेक्ट्स होने की वजह से हमें रीवर्किंग करना पड़ती है तो ये भी बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि रीवर्क नहीं होना चाहिए डिफेक्टिव गुड्स नहीं होनी चाहिए या, या आप समझने के उनकी मशीनों की जो वर्किंग uh, है वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारे डिफेक्टिव गुड्स ना बने पर्सनल मैनेजर हायर्ड अंडर स्किल्ड वर्कर्स जो पर्सनल मैनेजर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसने अनस्किल्ड वर्कर्स हायर किए हैं वो ट्रेंड नहीं थे इसकी वजह से उनका स्किल लेवल नहीं था तो इस वजह से आर्स ज्यादा कंज्यूम हुए हैं छुए हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है अनफेवरेबल डायरेक्ट एफिशिएंसी वेरिएंस की मीन एफिशिएंसी हमारी कम इस वजह से हुई है पोअर क्वालिटी ऑफ मटीरियल रिक्वायरिंग मोर लेबर टाइम हमारा जो मटीरियल खरीदा गया था वो पुअर क्वालिटी का था जिसकी वजह से हमारा ज्यादा लेबर टाइम लगा उनको uh, काम करते हुए उनके ऊपर तो ये भी एक रीजन हो सकती है हमारी की की अनफेवरेबल होने तो हम लोग बेसिकली डिग आउट करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे है तो प्रॉब्लम को डीग आउट करने के लिए हमें उनकी डिफरेंट कॉजेस को देखना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पे इस चीज का क्वेश्चन जो है जो पोअर क्वालिटी ऑफ मटीरियल का है ये हम लोग जो है वो परचेज मैनेजर से पूछेंगे और ये आइडेंटिफाई कैसे होगा अगर हम लोगों ने सस्ता मटेरियल खरीदा हुआ होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्राइस वेरिएंस अगर हमारा जो है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस वो अगर फेवरेबल नजर आ रहा होगा तो हम ये इसके ऊपर डाउट कर सकते हैं कि मटेरियल जो है वो लो क्वालिटी का हो सकता है या हमारी वेस्टेज अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल पुअर क्वालिटी का हो सकता है लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि वो पुअर क्वालिटी का ही है तो जिसकी वजह से वेस्टेज ज्यादा आ रही है हो सकता है कि हमारी लेबर जो स्किल्ड नहीं थी अंडर स्किल्ड थी और उन्होंने टाइम ज़ाया किया या उन्होंने मटीरियल जाया किया सो दीज आर बेसिकली इंटर रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हम लोग पूछते हैं और डिक आउट करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कहां पे है प्रोडक्शन स्केजुलर इन एफिशियंटली स्केजुअल वर्क जो जो जिसने प्रोडक्शन स्केजुअल की थी उसने इन एफिशियंटली स्केजल किया था काम को मीन उसने जो दरमियान में जो लैग टाइम थे जो कि नॉन वैल्यू एडिड टाइम थे उनको उन, उसने जो है वो कंसीडर नहीं किया था और उसकी वजह से हमारा टाइम जो है वो जाया हुआ और थ्रू पुट टाइम की कैलकुलेशन के लिए या एफिशियंसी साइकिल के जो टाइम की कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने जो जरूरी नॉन वैल्यू एडिड टाइम को कम करने वाली जो बातें थी वो हमने नहीं की हैं जिसकी वजह से हमारा स्केजुअल एफिशियंट नहीं बना हुआ था उसकी वजह से भी हमारी जो लेबर की एफिशियंसी कम हो सकती है और हमारा अनफेवरेबल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ सकता है फ्रीक्वेंट फॉल्टी इक्विपमेंट है कॉजिंग ब्रेकडाउन एंड वर्क इंटरप्शन हमारा जो इक्विपमेंट जो है वो वो ठीक नहीं है फॉल्टी है जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन में ब्रेक डाउन आते हैं और इंटरप्शन आते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है वो लेबर जो टाइम जया होता है और लेबर जो है वो अनफेवरेबल आ सकता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट डिट प्रॉपरली मेंटेन मशीन और इक्विपमेंट चूंकि खराब हो गया और उसमें उन्होंने मशीनों को टाइमली जो है वो मेंटेन नहीं किया प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जिसकी वजह से हमारा टाइम जया होगा और हमारी डायरेक्ट लेबर की एफिशियंसी जो है वो अनफेवरेबल आ गई क्वालिटी स्टैंडर्ड इन इन क्वांटिटी क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट जो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ था जो कि हमने पर यूनिट लेबर बनाए हुए थे वो हम लोगों ने ठीक नहीं बनाया हुआ था हमने कम रखा हुआ था इतना टाइम जो है वो उसके ऊपर नहीं लगता था उससे ज्यादा लगता है अगर हम लोग टाइम एंड मोशन स्टडी देखेंगे तो वो हम लोग रिवाइज करने की जरूरत है तो हमने जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड थे वो ठीक नहीं बनाए हुए इन इनएक्यूरेट इन, बनाए हुए थे वर वारंट एक्ोरेटली इवेलुएटेड और हम लोगों ने uh, उनकी इवैल्यूएशन जो थी वो

गैर रखे हुए थे तो उसकी वजह से भी हमारा जो है वो एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो

की और उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है इसके ऊपर बात करने की कोशिश की ओप्स के आप लोग इन तमाम चीजों को समझ गए होंगे थैंक यू सो मच